कल चलो तो साला कुत्ते मेरे घर पर गए थे, टांगे काट दूंगा पापा। अरे पापा माफ कर दो पापा। नहीं पापा, हट पापा, मेरे घर पर, मेरे घर में कुछ नहीं। कौन है? तेरा यार पकड़ जा रहा। अच्छे सा तेरा यार है क्या? तेरा यार है क्या? करेगा ये? करेगा ये ना कुत्ते कमीन रैंचर पापा। वो क्या पापा? तो हेलो भाई, क्या हाल चाल है भाई सबके? मेरा नाम भाई आशीष। आज जो भी प्रॉब्लम भाई इन मैडम की है, इनका नाम सरिता है, इन्होंने मेरे को जो भी प्रॉब्लम बताई मैंने तो सुन ली भाई। और मैडम, मैंने कैमरा इसीलिए लगा रखा है कि आपने मेरे पास फोन किया और आपकी जो प्रॉब्लम थी मैंने अपनी पब्लिक को एक बार आप अपने उससे बताओगे। काफी टाइम से मैं अपने पति के साथ ही रह रही थी, लेकिन जब मेरे पति की अभी डेथ हुई है फिलहाल एक्सीडेंट में, तब से मैं अपने ससुर जी के पास ही हूँ। और मेरे ससुर जी ने भी अपने पास ही रख लिया मुझे। और मेरे माता पिता जब मुझे लेने आ रहे थे तो उनको बिल्कुल मना कर दिया कि हमारे साथ ही रहेगी। कब हुई थी आपके पति की डेथ? सर अभी एक महीने पहले ही हुई है उनके पति की डेथ मेरी। और शादी मेरी 2015 में हुई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे मुझे वो। जब से वो गए हैं मैं इतनी ज़्यादा बेचैन हूँ, एकदम अकेली पड़ गई हूँ और कोई साथी नहीं है मेरा। 10-15 दिन पहले की बात है कि अभी मेरे जो देवर जी हैं पति की मौत के बाद से ही, 10-15 दिन पहले की बात से उन्होंने एकदम से मेरे ऊपर गंदी नज़र डालनी चालू कर दी और मेरे को छेड़ा छाड़ी करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और मैं बताऊँ, मैं उनकी यादों से अभी निकली भी नहीं हूँ कि एकदम से देवर जी एकदम से मेरे ऊपर कैसे गलत नज़र डाल सकते हैं। तो क्या करते हैं वो? कुछ काम वाम भी करते हैं या सारा दिन ऐसे ही? वो सारा दिन खाली बैठे रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं, घर में ही रहते हैं मेरे ससुर जी के पास ही, और कोई काम धंधा नहीं उनके पास। बस सारा दिन निहारते रहते हैं मुझे, कुछ ना कुछ आँख मिचौली ऐसी इस तरह से हरकतें करते रहते हैं। नोटिस करना और ये सब? हाँ, नोटिस करना उस तरह से। मैं इतनी परेशान हो गई हूँ ना, मैं आपको बता भी नहीं पा रही हूँ। कोई बात मैडम, एक तो अपने आप पे भरोसा रखो और आराम से, अब आपकी पूरी लाइफ पड़ी है अभी। और उस बंदे का जो भी है, क्या नाम है उसका? सर उसका नाम सूरज है और बहुत ज़्यादा परेशान करता है मुझे। आ तो हदी हो गई थी सर, एकदम से मेरा हाथ पकड़ लिया उसने। और जैसे उसने मेरा हाथ पकड़ लिया मैं डर सी गई, मैंने कहा एकदम से इन्होंने क्या कर दिया मेरे साथ। और तुरंत मैं एकदम से अपने घर के बरामदे के अंदर भाग गई और मैं एकदम से देखने लगी मैं किसको हेल्प के लिए पुकारूं, क्या करूं मैं। और मुझे बिल्कुल भी नहीं सूझ रहा था। सर आप बताइए, एक लड़की की अभी पति की डेथ हुई है, एकदम से देवर जी की आंखों में इस तरह से गलत विचार आने, वो भी मेरे लिए, मैं कैसे रिएक्शन करूं सर? कोई बात नहीं मैडम, सर इतनी परेशान हो गया, ऐसा लगता कि मैं बहुत कि चली जाऊँ इस दुनिया से और कोई नहीं है मेरा सहारा। मैम कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। ये कैमरा मैंने इसीलिए लगाया था कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो आप अपने ऊपर भरोसा रखो और आप मेरे को नंबर बताओ एक बार, और यहाँ से आपकी बात करूँगा। बोल देना ये और किसी का फ़ोन है, मेरा फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी। नंबर बताना एक बार, तो आप ही बात करना और अच्छे से मतलब कैसे भी करके यहाँ पर बुलाना आपको। हेलो, क्या हुआ? हेलो हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। सूरज ये एक बारी आना यहाँ पर। और भाभी कैसे याद कर लिया? तुम हो कहाँ पे? तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा एक बार। अरे भाभी हम तो आपके पल्लू से लपटे होते हैं, कहाँ होंगे आधी रात होंगे और कहाँ पे होंगे? तुम हो कहाँ पे? कुछ नहीं बस घर पे था, चिल मार रहा हूं। मैं यहाँ पार्क में बैठी हुई, आ सकती हूँ उससे मिलने के लिए 5-10 मिनट के लिए? कौन से पार्क में? यही घर के पीछे वाले पार्क में हूँ मैं। नहीं और पूछ अभी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाँ जल्दी आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। ओके अभी आता हूँ। तो मेरे भाई देखा आपने, इस बंदे में कितनी ठरक भरी पड़ी है, एक बार आने दो मेरे भाई। और मैडम जी कोई दिक्कत मत लो, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, एक बार उस लड़के को आने दो यहाँ पे। और टाइम मेरे उसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पे हूँ। हाँ, और कैमरा भाई थोड़ा साइड में जाड़े हो मैं कर लिए, क्योंकि आने के बाद जो भी उस बंदी गिर को तो कि मैं आपको दिखाऊँगा और मतलब उसको एक्सपोज करेंगे भाई आप। तब तक के लिए भाई कैमरा उस साइड कर ले।
कौन है यार? छोड़ो छोड़ो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? क्या हाल है भाभी, कैसे कॉल कर लिया आज? मेरे पास मत आना बस। तो भाभी शांतिपूर्वक बैठे रहो, बस मेरे पास मत आना। बताओ तो सही, मेरे पास आने की जरूरत नहीं। क्या हो गया? अरे भाभी दूर क्यों भाग रहे हो आप? फिर क्या पास में? छोड़ मेरा, क्या परेशानी? बैठ जाओ पहले। क्या हो गया? क्या बात करनी है? ढंग से बात करो मेरे साथ। ठीक है, छुओ मत। बैठो बैठो। और क्या, कैसे कॉल कर लिया आपने? कैसे कॉल किया? बस ऐसे ही बुलाया मैंने। और बताओ क्या, फिर आज क्या सीन करे? फिर आज आपका कुछ करते हैं ना? मैं पेड़ मार दूंगी, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ भाभी? थप्पड़ मारूं क्या कान पे खींच के? भाभी क्या गलत है इसमें? आप जवान हो तो जवान हो, तेरे को शर्म नहीं आती? तेरे भाई की अभी अभी डेथ हुई है, तू इस तरह से मेरे ऊपर गलत गलत वो करता रहता है? छोड़ो भाभी, मैं भी तो जवान हूँ। तो जवान है तो तू शादी कर लेना फिर, तो मेरे ऊपर क्यों डोरे डालते हैं गंदी नजरों से? आप अकेली हो, आपके पास आपका पति भी तो साथ में नहीं है ना? पति साथ में नहीं, उनकी डेथ हुई है, मैं विधवा हो चुकी हूँ, ठीक है? तेरे को तुझे ना मेरे ऊपर इस तरह से गंदी नजर डालने का कोई वो नहीं बनता। दुनियादारी कुछ भी बोले, हमें क्या लेना देना यार, कुछ भाभी समझो ना, फीलिंग समझो। मैं बहुत परेशान हो गई अभी, मैं तेरे जैसी ऑलरेडी, तू मेरे को इतना परेशान कर रहा है कि तू आज तूने सुबह सुबह मेरा हाथ पकड़ लिया, तेरे को शर्म आनी चाहिए थी ना? तेरी आई मीन तेरे भाई की पत्नी हूँ मैं। अभी इसमें गलत है क्या? इसमें गलत है ही क्या? क्यों नहीं है गलत ये बता, क्यों नहीं है गलत? आप सिंगल हो, मैं भी सिंगल हूँ, चलो फिर तेरे को शर्म आनी चाहिए। थप्पड़ मार के सीधा कर दूंगी मैं। पहले बैठो, बैठो बैठो, आराम से बैठो, पहले बात करो। क्या हो गया? क्यों नहीं क्या हो गया ये बता, तू इतनी गलत नजरों से मेरे ऊपर डोरे डालता है, ऊपर से इस तरह से। हाँ सर, यही है वो बंदा। कौन है? पकड़ो जरा अच्छे से। तेरा यार है क्या? तेरा यार है क्या? करेगा ये, करेगा कौन है भैया? कौन है तू? ये करेगा यार, बुलाता नहीं क्या यार? ये रहे यार, बैठ यार। ये यार नहीं है, ये मैंने वाले बुलाए हैं तुम्हारे लिए। यार इधर आ, कैसे गलत नजर क्यों डालते हो मेरे? गणा मत बना, ठीक है? के क्या मेरे सारे काड़े मारूंगा, सारी दुनिया में जब तेरी खबर जाएगी ना, तू मेरे को कैसे छूता है, गलत नजरों से देखता है मुझे। तेरे यार है क्या? ये मेरा यार नहीं, न्यूज चैनल वाले हैं, अभी पुलिस भी आती होगी तुम्हारे को मारने। सुन रुक जा, भटवे आ गए तू, भटवे आ गए तू, बताऊंगा भटवे आ गए तू। चुप चुप चुप, तू को तू होता कौन है? तू तू होता कौन है? गणा मत लो, छोड़ दे, छोड़। मैंने बुलाया उनको। इसकी ना सारी खबर डिटेल सारी डालना है चैनल पे, और पुलिस में भी खबर जानी चाहिए ना, जो भी हरकत सारी उसमें रिकॉर्ड। यार पहले कैमरा डाले, प्लीज कैमरा नहीं हटेगा अभी। चुप, कैमरा डालो। क्यों डाले? चुप हो यहां बैठ, और ले ये रे डंडा, ले ये। तो एक सेकंड रुक जा, तेरे पापा ने बुलाऊं मैं। अबे यार पापा क्यों बुलाएगा यार? पापा क्यों बुलाएगा? बे तू जो यार कट करने लग रहा है, पापा क्यों बुलाएगा यार? मैं रैपटा दूंगा बैठ जा। पापा को आना आज जरूरी है, मैंने तुम्हारी सारी खबर दिखानी है तुम्हारी। पापा क्यों बुला रहे हो पापा को? भाभी जी ने दो तुम्हारे, तुमने मेरा से रिएक्शन किया। ना रुक भाई, पता होना चाहिए। बैठ जा आराम से, फोन फोन का हाथ मत लगा। फिर रहने दे, पापा क्यों बुला रहे यार? पापा क्यों बुला रहे हो? हम शांति से बात करते हैं यार, फिर शांति से बात कर बैठ यार। के मैं बताऊंगा तुम्हें, कोई बात नहीं, आज पापा को बुलाएंगे ना। आज मैं पापा को यहाँ बुला रही हूँ ना, दूध का दूध पानी का पानी। हाँ, हाँ, यही बात देख लेना जो ये कर रहा है ना। रुक जा तू, तुम्हारी असलियत सबके सामने आनी चाहिए। बैठ जा, तुम्हारी असलियत सबके सामने आनी चाहिए, पूरी दुनिया के सामने आनी चाहिए। हेलो अंकल, मैं आपकी वो आई थी एक बार ये मेरे से हेल्प के लिए। हाँ, आपके लड़के की बहू आई थी हेल्प के लिए। हाँ, तो मैं आप ये घर वाले पे पार्क में पीछे आ जाओ एक बार, और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। पापा मत आना यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं आपको कैमरा भी दिखाऊंगा, उसमें पूरी सब बात रिकॉर्ड हो रखी है। पापा झूठ बोल रहे, पापा झूठ बोल रहे हैं। आ जाओ एक बार आप पार्क में, ठीक है भाई? एक बार आने लग रहे हैं, मैं बढ़िया डाल बनाऊंगा। अब तू यहीं पर रुके भाई, आज एक बार इन्हें पकड़ कर बिठा ले, इतने इसके पापा हुए हैं, ठीक है? तो कहता और कैमरा उस साइड कर ले, इन्हें पकड़ कर बिठा ले, अभी आ ले।
पापा आपने देख लिया ना, दूध का दूध पानी का हो गया। पापा झूठ बोल रहे हो, पापा झूठ बोल रहे हो। अभी बोलना, अभी बोले, पापा झूठ बोल रहे हो। अभी बोले, अभी क्यों नहीं बोल रहा? झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। यार बैठ, बीजेपी देख के झूठ बोल रहा है। आज अभी अभी बोलना, पापा झूठ बोल रहे हो। पापा झूठ, अभी बोलना, झूठ बोल रहे पापा। बस अंकल रुक, देख लिया ना पापा इसकी हरकत, अभी जो भी आपके सामने जो भी है, जो भी हरकत करने लग रहा था ना, सारी मंत्री पापा को दिखाई थी क्या ना, तेरे को शर्म आनी चाहिए साले आरामजादे। तुम मेरे साथ चलो, तो साले कुत्ते मेरे घर पर गए, तेरे टांगे काट दूंगा पापा। अरे पापा माफ कर दे पापा, पापा हट, पापा मेरे घर पर, मेरे घर में बस अंकल ना। अभी क्या होगा, चलो ऐसे तेरे तो माफी मिल जाएगी भाई। तो हेलो भाई, क्या हाल चाल है भाई सबके? जैसा कि आपने देखा भाई, वो लड़का अपनी भाभी के साथ बहुत गलत कर रहा था, और भाई मेरे को वो लड़का एक्सपोज करना है, क्योंकि वो लड़की एक विधवा थी। क्योंकि यार अगर ऐसी औरतों के साथ ऐसा होता है तो मतलब उसके सोसाइटी वाले लोग पहले ही नहीं उनको ज़िंदगी में जीने का हक देते, और ऊपर से उनके माँ बाप हैं वो अपने घर में रख रहे हैं, और जो उस लड़के का बाप है वो अपने घर में रख रहा है फिर भी कैसे भी करके, पर उसका छोटा भाई ये सब हरकतें कर रहा था। ये भाई इस लड़के को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि भाई मैं अपने पास तो वो कर नहीं सकता, और ये अब अपने फादर के पास भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये जिसने जो हरकत की है वो आप सब ने देखी है। और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो में एक मैसेज है, और भाई शेयर करो वीडियो को, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर पहली बार आए हो साइड में इंस्टाग्राम का वो टॉपअप आ रहा होगा भाई, जाओ जल्दी से फॉलो करो और अपनी प्रॉब्लम बताओ, और इनका सलूशन कर दिया भाई अच्छे से तुम्हारे भाई ने, दिक्कत में हो। और मैं मिलता हूँ भाई आपके लिए एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।